क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन वी स्टार्ट? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर रहे हैं, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। आज हम देखने जा रहे हैं कोलिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बट बहुत ही सिंपल टॉपिक। सो अगला एक से डेढ़ घंटा अच्छी तरह से सुनिए। कोलिजन का मतलब ही है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम M1 है, ये इस दिशा में जा रहे हैं एक U1 नाम की वेलोसिटी से। ऐसा हो सकता है कि उसी ऑब्जेक्ट के आगे एक और ऑब्जेक्ट है M2 जो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ U2। यहां पे जो बात आपने अपने दिमाग में रखनी है कि यहां पे बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव इनिशियल वेलोसिटीज अलोंग सेम लाइन। ये जो वेलोसिटीज मैंने अभी आपके यहां पे बनाई है U1 एंड U2, इनको मैं इनिशियल वेलोसिटीज बोल रहा हूं, या मैं इनको ये भी बोल सकता हूं, आई कैन कॉल दीज बोथ वेलोसिटीज एज वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, क्योंकि अभी ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराए नहीं हैं, अभी टकराने वाले हैं। पर टकराने से पहले आपने जिस बात को अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी सेम लाइन में है। ये जो सेम लाइन में तब से बोल रहा हूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं आपके सामने, तो सपोज कीजिए दिस इज दैट द ब्लू लाइन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये जो ब्लू लाइन होती है इसको आप एक नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी लाइन ऑफ एक्शन पे होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन एक ऐसी लाइन है जहां एक्शन होने वाला है, यानी कि जहां पे कोलिजन होने वाला है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी एक लाइन में ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं ये ऐसा है जैसे किसी ट्रक ने पीछे से आके किसी कार को टक्कर मार दी, या किसी कार ने किसी ट्रक को टक्कर मार दी, तो उस वक्त क्या होता है, रोड पे कार और ट्रक दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हम वो वाला केस फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी रोड पे आप ऐसा देखते हो कि कोई रोड ऐसा है और कोई रोड ऐसा है। हो सकता है कि कोई गाड़ी यहां से आ रही हो सकता है कोई गाड़ी यहां से आ रही हो और दोनों के बीच में कोलिजन हो जाए। तो क्या इस वाले केस में दोनों गाड़ियों की वेलोसिटीज क्या सेम दिशा में थी? नहीं। ऐसा वाला केस हम थोड़े देर के बाद पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल हम वो केस पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एक ही दिशा में। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो U1 नाम की वेलोसिटी है अगर वो ग्रेटर देन हुआ U2, यानी कि पीछे वाली गाड़ी की वेलोसिटी आगे वाले की गाड़ी की वेलोसिटी से अगर ज्यादा हुई तो पीछे वाला आगे वाले बंदे को आके टकरा जाएगा, यानी कि कोलिजन हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, पीछे वाला बंदा अगर ज्यादा स्पीड से आएगा तभी तो वो आगे वाले बंदे से टकराएगा, बिना ज्यादा स्पीड से आए कैसे टकराएगा। और अगर आगे वाले बंदे की रफ्तार पीछे वाले बंदे की रफ्तार से ज्यादा है तो कोलिजन तो होना ही नहीं है कि ये बंदा तो आगे जाता रहेगा, काय का कोलिजन। तो अगर ऐसा हो गया कि पीछे वाले बंदे की रफ्तार यानी कि U1
ज्यादा है यू टू से, तो इस बात की तो गारंटी है कि भाई तुम आके इससे टकराने वाले हो। तो सपोज करो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इस तरह का कुछ सिनेरियो आपको नजर आता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टच में है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इस बार भी लाइन ऑफ एक्शन को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जो टकराना हुआ है वो लाइन ऑफ एक्शन के ही अलोंग हुआ है। पर आपने एक बात याद रखनी है, ये जो करेंटली मैं आपको डायग्राम अभी दिखा रहा हूं, इसमें ये M1 नाम के व्यक्ति हैं, ये M2 नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक दूसरे के साथ अभी कोलिजन कर लिया है। मतलब दिस पर्टिकुलर डायग्राम व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन इज ड्यूरिंग कोलिजन, अभी कोलिजन हो रहा है। इसके ऊपर जो अभी आप डायग्राम देख रहे थे, अभी कोलिजन हुआ नहीं था, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने के पहले। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी सी बात है, आप ये जानते हैं कि न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में कहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स तो जरूर लगाएंगे, राइट। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, तो लेट मी राइट दिस फोर्स एज F21, लेट मी राइट दिस फोर्स एज F12। कृपया ध्यान दीजिए, अभी दोनों एक दूसरे से टकराए हैं, टकराते समय दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन M2 बाय M1, और F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन M1 बाय M2। सो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि अगर दो बंदों के बीच में कोलिजन होता है तो इट्स ऑब्वियसली ट्रू दैट बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल अप्लाई अ सर्टन फोर्स ऑन ईच अदर। अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा? कोलिजन होने के बाद बहुत सारे सिनेरियोस पॉसिबल हैं, यानी कि आफ्टर कोलिजन बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि वन ऑफ द केस आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि टकराने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो M1 नाम का बंदा है और जो M2 नाम का बंदा है, उसमें से M1 नाम का बंदा इस तरफ चले जाए और जो M2 नाम का बंदा है वो इस तरफ चले जाए। ये बंदा गया V1 नाम की वेलोसिटी से, ये बंदा गया V1 V2 नाम की वेलोसिटी से। दिस इज केस वन, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। M1 आए, उन्होंने M2 को टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद वापस चल इधर आ गए और M2 आगे चले गया, पॉसिबल है। पर इसमें V1 एंड V2 नाम की चीज क्या है? V1 एंड V2 कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने के बाद आपके पास कौन सी वेलोसिटीज थी, या फिर आप इनको फाइनल वेलोसिटीज भी कह सकते हैं। अब आप इस सिनेरियो को कैसे अपने दिमाग में लाएंगे? सपोज कीजिए एक ट्रक है, बहुत ही भारी भरकम ट्रक है जो एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पे चल रहा था। पीछे से हमारे एक भाई साहब स्पोर्ट्स कार में आते हैं जिनकी गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और वो आके इस ट्रक को टक्कर मार देता। सोच विचार करिए, जब ये स्पोर्ट्स कार इस ट्रक को टक्कर मारेगा तो टक्कर मारने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये स्पोर्ट्स कार पीछे की तरफ आएगी, क्योंकि ट्रक इतना भारी है, ट्रक इतना भारी है कि स्पोर्ट्स कार के टकराने से ट्रक आगे तो जरूर जाएगा, बट ये जो स्पोर्ट्स कार है वो टकराने के बाद पीछे जरूर आ जाएगी। इट इज पॉसिबल, आपने देखा भी होगा ऐसे एक्सीडेंट्स में जिसमें टकराने के बाद वो चीज पीछे की तरफ आ जाती। तो ये जो मैंने केस आपके सामने फिलहाल रखा, ये केस एक वैलिड केस है, ऐसा हो सकता है। और कैसी चीजें हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? केस टू, और क्या पॉसिबल है टकराने के बाद?
टकराने के बाद पॉसिबिलिटी और एक है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद सेम दिशा में आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद सेम दिशा में आगे बढ़े, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन अभी भी वही है, पर आप देख सकते हैं दोनों की वेलोसिटीज एक ही दिशा में आगे बढ़ रही। इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इसके पहले क्या हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है। इस वाले केस में आपका क्या कहना है? बिल्कुल हो सकता है कि आगे एक कार जा रही थी जो कि चल रही है अराउंड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हो सकता है पीछे बहुत बड़ा एक ट्रक है जो आ रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये ट्रक वाले भाई साहब ने इस कार वाले को टक्कर मारा और इस कार को वो अपने साथ साथ आगे लेके जा रहा है, पॉसिबल है कि नहीं? ट्रक के नीचे कार दब गई और ट्रक और कार दोनों एक साथ चिंगारी निकलते हुए आगे निकल रहा है। आई वॉन्ट यू टू बिलीव इन मूवीज, आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन इन रियल लाइफ। मूवीज में बिलीव करिए कि ऐसा, आपने कोई फास्ट एंड फ्यूरियस नाम की मूवी देख ली हो कि ट्रक ने आके कार को टक्कर मारी और कार और ट्रक एक ही रफ्तार से अब आगे की तरफ जा रहे, पॉसिबल है। हो सकता है कि V1 और V2 बराबर हो। सो क्लास देर आर मैनी कंडीशंस जिसमें टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करेंगे, इसकी बहुत सारी कंडीशंस है। ये सारी कंडीशंस हम लोग धीरे धीरे करके आगे अभी पढ़ेंगे। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ दो कंडीशंस पेश किए। बट फिलहाल के लिए हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिफोर कोलिजन चीजें कैसी दिखती हैं, आफ्टर कोलिजन चीजें कैसी दिखती हैं, और ड्यूरिंग कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्सेस लगाती हैं। क्या ये तीन बातें आप सब लोगों के दिमाग में क्लियर और एनी डाउट्स? कम ऑन, डन डन डन, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए जल्दी। एनी डाउट्स? बहुत ही बढ़िया। अब इसमें कुछ बातें जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कुछ बातों में हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि जब भी कोलिजन नाम की चीज होती है, जब भी कोलिजन नाम की चीजें होती है, तो आपने अपने दिमाग में एक चीज रखनी है और वो है कि यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये चीज लागू होती है। अमन, टकराने के बाद बोल रहे हो कि टकराने के पहले बोल रहे हो? अगर आप टकराने के बाद बोल रहे हो तो आई थिंक बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि टकरा के दोनों ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ आ जाए, बहुत कम चांसेस है ना, क्योंकि पहले से ही दोनों ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहे हैं ना, है ना, पहले से ही दोनों ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहे हैं। सो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं कि ये ऑब्जेक्ट ने इससे आके टकराया और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चले जाए, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, ठीक है? ओके, मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो आपको बहुत जल्दी अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं जानता हूं आप सब लोग मोमेंटम से अच्छी तरह से वाकिफ है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी एंड इट्स फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाम की चीज आपसे क्या कहना चाहती है और आपसे क्या करवाना चाहती है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कंजर्वेशन वर्ड से आपको क्या समझ में आता है?
कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है रिमेन्स सेम, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, कौन सी चीज कंजर्व्ड है? लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। कब कंजर्व्ड है? जब कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन के होने के पहले जितना मोमेंटम था, यानी कि क्या मोमेंटम किसका ऑफ सिस्टम, कब? बिफोर कोलिजन, बराबर होता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले कंजर्वेशन वाले वर्ड को समझें। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आपके मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा। पर सवाल ये उठता है कि किसने कहा कि मोमेंटम में बदलाव आएगा, या किसने कहा कि मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा, मतलब मोमेंटम अचानक से हमारे टॉपिक में कहां से आ गया? मोमेंटम हमारे टॉपिक में इसलिए अचानक आया क्योंकि कोलिजन हुआ, क्योंकि कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। तो आपने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में यह बात पढ़ी है कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगती है तो मोमेंटम में बदलाव तो आना चाहिए, ऐसा न्यूटन्स अपने सेकेंड लॉ में कहते हैं। परंतु आप यहां पे मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, आप यहां पे मोमेंटम एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे। प्लीज रिमेंबर, जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाम की चीज लगाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक सिस्टम पे लगता है। आई नो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर सिस्टम नाम की चीज क्या होती है, मैं उसके पास पहुंचूंगा, मैं उसके पास जरूर अभी सिस्टम के पास जा रहा हूं, पर फिलहाल आप अपने दिमाग में यह रखें कि कोलिजन हुआ, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराए, पर फिर भी टकराने के पहले यानी कि बिफोर कोलिजन जितना भी सिस्टम का मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर कोलिजन भी रहेगा। सिस्टम का मतलब क्या भाई, क्या तब से सिस्टम सिस्टम कर रहे हो? सिस्टम का मतलब है वो सारे लोग जिन्होंने कोलिजन के अंदर पार्टिसिपेशन किया है, कोलिजन में पार्टिसिपेट किया है, वो सारे लोग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। अगर हम हमारे ऊपर वाले केस में जाएं तो क्या आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं? अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो ये वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने कोलिजन में पार्टिसिपेट किया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिला के सिस्टम कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से आपके सिस्टम का मोमेंटम टकराने के पहले, अब आपके सिस्टम का मोमेंटम टकराने के पहले क्या होगा? सिस्टम यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 था, उसकी वेलोसिटी u1 थी, ये हो गया मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का, प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास m2 था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी टकराने के पहले u2 थी, इक्वल टू साइन। जरा ध्यान से गौर फरमाइए, अगर ये स्टेटमेंट आपके दिमाग से उतर गया या आपने स्टेटमेंट को भाव नहीं दिया तो आगे पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपके 90% ऑफ द न्यूमेरिकल में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाम की चीज तो ऐसी लग जाती है। तो समझिए, बात को अच्छी तरह से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है? ये मोमेंटम है किसका? पहले वाले ऑब्जेक्ट का। याद रखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मोमेंटम टकराने के पहले का है? कैसे पहचानोगे कि ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है? वेलोसिटी देख के पहचानोगे। टकराने के पहले जो वेलोसिटीज थी अगर उनको मास के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो पक्का बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है। मोमेंटम जानते हो ना क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। m1 पहले वाले बंदे का मास, u1 पहले वाले बंदे की वेलोसिटी,
सर आपने बीच में प्लस साइन क्यों लिखा? हमने बीच में प्लस साइन इसलिए लिखा क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो सिस्टम में दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, बराबर है कि नहीं? चलो इसी बात पे क्या आप गेस कर सकते हो टकराने के बाद मोमेंटम क्या होगा? टकराने के बाद आपका मोमेंटम क्या होगा? टकराने के बाद मास अभी भी m1 है, पर टकराने के बाद वेलोसिटी v1 हो चुकी है, प्लस टकराने के बाद मास m2 है और वेलोसिटी v2 हो चुकी है, यानी कि ये हो गया हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन m1 u1 m2 u2, यानी कि दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. किसका किसका भाई? क्या एक एक ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो? नहीं, आप बात कर रहे हो एक सिस्टम की. सिस्टम यानी कि दोनों व्यक्तियों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सर क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ कोलिजन के वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल नहीं. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप किसी भी एक्टिविटी के बाद अप्लाई कर सकते हो. कोलिजन में तो करना ही है, कोलिजन में तो करना ही है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन तो करना ही है. आप किसी भी और एक्टिविटी के बाद ये फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हो, पर कैसे अप्लाई करोगे ये मैं अभी दिखाऊंगा कोई और एग्जाम्पल लेके. बट बिफोर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये समझ में आया क्या? आपको ये बात समझ में आया कि कंजर्वेशन कैसे लग रहा है? Any doubts till now? अमन पठान, कान खुले हैं आंख खुले हैं या नहीं? क्या मैंने इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बोला? डिड आई से इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी? आप खुद डाउट क्रिएट करते हो और खुद कंफ्यूज हो जाते हो बाद में. इधर किधर लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी? बता दो मुझे किधर लिखा हुआ है इधर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी? बताओ. Have I ever written initial velocity is equal to final velocity? क्या मेरे मुंह से ये निकला कि initial velocity is equal to final velocity? निकला मेरे मुंह से? क्या मैंने कहा कि u1 v1 के बराबर होगा? क्या मैंने कहा कि u2 v2 के बराबर होगा? Did I use these words? No. कृपया ध्यान दीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि u1 v1 के बराबर है कि u2 v2 के बराबर है. मैंने ये वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया. मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपके सिस्टम का मोमेंटम टकराने के पहले और आपके सिस्टम का मोमेंटम टकराने के बाद सेम होगा. इसका मतलब यह नहीं है कि u1 v1 के बराबर है या u2 v2 के बराबर है. इस चीज में आप फिलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें अपने दिमाग का. फिलहाल खाली इस चीज में इन्वेस्टमेंट करें कि मोमेंटम टकराने के पहले और मोमेंटम टकराने के बाद किसका, पूरे के पूरे सिस्टम का सेम होता है. ऐसे को आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं. कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? बढ़िया. अब मेरा सवाल बिल्कुल ध्यान से सुनना. जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि क्या हम ये सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के टाइम लगा सकते हैं? नहीं, आप कहीं पे भी लगा सकते हो. बस कोई एक्टिविटी हो जाए, किसी तरह की एक एक्टिविटी हो जाए, बस वहां पर भी लगा सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक गन एंड बुलेट के केस में भी ये लगा सकते हैं. यानी कि आपने एक गन से बुलेट को फायर किया, इस वाले केस में भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं. कैसे? पायल क्या है, केपलर सेकेंड लॉ क्या बोल रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? केपलर सेकेंड लॉ बोल रहा हूं ग्रेविटेशन का. क्या है केपलर का सेकेंड लॉ और अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, ये आपकी गन है इस तरह से, ठीक है. इस गन के अंदर एक बुलेट समाई हुई है. अरे अरे पूर्वा पटेल, अरे 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 अनुराग, अरे आराम से टेंशन मत लो. जो फिलहाल बोल रहा हूं पहले उस चीजों पे ध्यान दो, उसके बाद देखते, ठीक है. अंदर बुलेट समाई हुई है, उसके बाद आपने बुलेट को फायर कर दिया, ठीक है. तो ये आपकी बुलेट यहां से निकल ली,
आगे की तरफ, ठीक है। यहां पे जो सिनारियो हुआ है वो सिनारियो क्या है, यहां पे एक सिनारियो हुआ है जिसको आप फायरिंग सिनारियो बोल रहे हैं। फायरिंग मतलब बुलेट को गन से फायर किया गया, ठीक है। अगर बुलेट को गन से फायर किया गया तो एक सिनारियो हुआ ना, कुछ ना कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ, जैसे कोलिजन एक काम था कि नहीं था, वैसे फायरिंग एक काम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब इसमें कौन दो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने वाले दो व्यक्तियों का नाम है, एक है गन, दूसरी है बुलेट, बराबर। हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैसे, मोमेंटम किसका, ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू मोमेंटम किसका, सिस्टम का, कब भाई, आफ्टर फायरिंग। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाम की चीज कहीं पे भी अप्लाई कर की जा सकती है, बस एक सिनारियो हो जाए। मैं निम्नलिखित सिनारियोज आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाम की चीज छप जाए। पहला तो मैंने कोलिजन आपके सामने प्रस्तुत किया, कोलिजन हमें और आगे पढ़ना है, अभी तक से वो खत्म नहीं हुआ है, बस मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं, ठीक है। तो कोलिजन के बाद अगे हमने गन और बुलेट की फायरिंग को हम देख रहे हैं, मोमेंटम सिस्टम का, सिस्टम में कौन कौन है, सिस्टम में गन है और बुलेट है, तब क्या करोगे, मास ऑफ गन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, डन डनाडन, काम खत्म। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका उपयोग कहां होगा, न्यूमेरिकल में जब आएगा ना, न्यूमेरिकल में जब आप इसको लगाओगे ना, तब आप बोलेगे अहिला इतना बड़ा चीज, इतनी अच्छी चीज, जब एंट्रेंस में करेंगे तब तुम बोले अहिला इससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। न्यूमेरिकल में तुम्हें एहसास होगा कि ऐसी चीजें की जा सकती हैं, पर अभी तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। डरना नहीं है कि सर ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो कोलिजन के लिए पढ़ाया था, हम वो कहीं और नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहीं भी लगा सकते हो, बस एक सिनारियो होना चाहिए। मैं और एक सिनारियो आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, पर फिलहाल क्या ये गन और बुलेट का सिनारियो आपके सामने क्लियर है? यस सौरभ, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये गन और बुलेट वाला सिनारियो आप लोग के सामने क्लियर है? क्या एक और सिनारियो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं? एक और सिनारियो आपके सामने पेश किया जाए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आदमी और बोट, सपोज कीजिए पानी है, पानी के ऊपर एक नाव है और नाव में एक इंसान खड़ा है। यह इंसान इस नाव से उड़ी मारने वाला है। क्या मारने वाला है? उड़ी मारने वाला है। तो अपन चालू हो जाएंगे, अपन लिखेंगे मोमेंटम किसका, ऑफ सिस्टम कब रे, बिफोर जंपिंग इक्वल टू मोमेंटम किसका, सिस्टम का, कब, आफ्टर जंपिंग। कैसे लिखोगे इसको, पूरा कैसे करोगे? सिंपल सी बात है ना, टेंशन नहीं लेने का, बेसिक खाली याद रखने का, मास बोट का इनिशियल वेलोसिटी बोट की, मास मैन का इनिशियल वेलोसिटी मैन की, मास बोट का फाइनल वेलोसिटी बोट की, मास मैन का फाइनल वेलोसिटी मैन का, खत्म, लग गया। सारे सिनारियोज में आपने नोटिस क्या करना है जरा सोचना, सारे सिनारियोज में आप क्या नोटिस करोगे जरा सोचना। जैसे ही गन आगे की तरफ फायर होगी, आप जैसे बुलेट आगे की तरफ फायर होगी, आपकी गन पीछे की तरफ जाएगी।
इसको बोला जाता है रिकॉइल। रिकॉइल नाम का वर्ड जरा ध्यान से सुनना, क्या रिकॉइल जैसा वर्ड ध्यान से सुनना, ठीक है। रिकॉइल, गन में रिकॉइल हो रहा है, मतलब गन पीछे की तरफ जा रही है। क्या बोट में रिकॉइल आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर यह आदमी बोट से जंप करता है तो बोट पीछे की तरफ जाएगी, मतलब बोट में भी रिकॉइल आएगा। ऐसी चीजों को ढूंढना। सौरभ किधर कोलिजन हो रहा है बेटा? वेयर इज कोलिजन हैपनिंग? आर यू आस्किंग बोट और मैन में कोलिजन किसके बीच में हो रहा है? आप गधे हो क्या सौरभ? आर यू गधा? टेल मी वन थिंग, आर वी स्टडिंग अबाउट कोलिजन? मैं तब से गला फाड़ फाड़ के क्या समझा रहा हूं आपसे कि जहां कोलिजन ना हो रहा हो वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग सकता है, और आप मुझे पूछ रहे हो मैन और बोट में कोलिजन कहां हो रहा है? गन और बुलेट के बीच में कोलिजन हो रहा था? बोलो सौरभ, गन और बुलेट के बीच में कोलिजन हो रहा था क्या? नहीं। फिर बोट और आदमी के बीच में कोलिजन हो रहा है क्या? नहीं। मैं तब से गला फाड़ फाड़ के आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम नाम का टॉपिक कोलिजन ना होते हुए, या सिर्फ कोलिजन के लिए नहीं अप्लाई होता, किसी और सिनेरियो के लिए भी अप्लाई हो सकता है। मैं तब से वही तो आपको समझा रहा हूं, और अल्टीमेटली आप मुझे पूछ रहे हो बोट और मैन में कोलिजन कहां हो रहा है? क्या बाकी लोग का भी, किसी और का ये डाउट था क्या? अरे सौरभ, मैंने बोट और मैन इसलिए लिया क्योंकि बोट और मैन के बीच में एक तरह का सिनेरियो हो रहा है, और वो सिनेरियो ये है कि आदमी बोट से कूद रहा है, आदमी बोट से कूद रहा है, रिकॉइल बोट में आ रहा है। अगर आदमी आगे की तरफ कूदेगा तो बोट पीछे की तरफ जाएगी, तो सिस्टम का हिस्सा कौन हुआ? सिस्टम का हिस्सा बोट और मैन हुआ, कि पानी सिस्टम का हिस्सा है? पानी को क्या फर्क पड़ता है? यह पहचानने का तरीका है कि सिस्टम का हिस्सा कौन है। रिकॉइल एक पहचानने का तरीका है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार रिकॉइल आएगा। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इस दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो गन और बुलेट पहले एक ही चीज के हिस्से थे, बाद में दोनों अलग अलग हो गए। गन और बुलेट यानी बुलेट पहले गन के अंदर थी, फिर बुलेट गन से अलग हो गई। बोट और आदमी दोनों पहले एक ही थे, अब आदमी कूद गया। किसी को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? बाकी लोग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या कोई और ऐसा इंसान था जिसको ये डाउट था, जो सौरभ पूछ रहा है कि सर इसमें कोलिजन कहां हो रहा है? डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? जब रिकॉइल नहीं होगा तब क्या करेंगे? अरे भाई रिकॉइल, मुझे एक बात बताइए, कोलिजन में रिकॉइल हो रहा है क्या? ये कोलिजन में मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया, इसमें रिकॉइल हो रहा है? इज रिकॉइल हैपनिंग इन कोलिजन? सौरभ, इज रिकॉइल हैपनिंग इन कोलिजन? कहां हो रहा है रिकॉइल का मतलब आप समझते हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिकॉइल? क्या मतलब होता है रिकॉइल का? झटका ना, तो फिर यहां पे रिकॉइल लग रहा है। रिकॉइल का मतलब आप समझते हो? रिकॉइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पीछे की तरफ झटका लगना, रिकॉइल का मतलब ये है कि इक्वल एंड ऑपोजिट झटका लगना। जितने जितने झटके से बुलेट आगे जाएगी उतने ही झटके से गन पीछे की तरफ जाएगी। आप एक नॉर्मल पिस्टल चला के देखो और आप थोड़ी बड़ी गन चला के देखो, बड़ी गन में जो फोर्स से बुलेट निकलती है कंधे पे उतना जोर से लगता है, धक धक धक। जितनी जोर से बुलेट आगे निकलती है उतने जोर से कंधे पे धक्का लगता है। रिकॉइल में आगे का धक्का और पीछे का धक्का सेम होता है। पर मेरा फिलहाल मोटिव नहीं था वो सब चीज समझाना, मैं फिलहाल आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां कहां लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ कोलिजन में लग सकता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत जगहों पे लग सकता है।
एक बार सब लोग मुझे रिप्लाई करो कि क्या तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि कोलिजन के अलावा भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। Why I'm telling you this repeatedly? Because जब मैं entrance शुरू करूंगा, entrance में अगर मैंने conservation of linear momentum एक particular जगह पे लगा दिया, जैसे कि एक bomb blast हो गया, यहां पे भी conservation of linear momentum लग सकता है, before blast and after blast। तो तुम shock मत हो जाना, तुम ऐसा मत believe करना, तुम ऐसा मत behave करना कि सर तुमने तो कहा था कि सिर्फ collision के समय conservation of linear momentum लगता है, और अभी तुम bomb blast में लगा रहे हो, तुम boat और आदमी में लगा रहे हो, तुम gun की firing में लगा रहे हो। Conservation of linear momentum can be applied in any situation where something is happening. पहले कुछ था और बाद में कुछ था, बस अगर ऐसा कुछ scenario है तो आप वहां पे conservation of linear momentum लगा सकते हो। मैं और बड़बड़ करूं कि किसी को बात समझ में आ रही है? Can I move forward? Especially Saurav. आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो चीज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन असली में दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरे को बोला जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। ध्यान से सुनना, बातों को अच्छी तरह से समझना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम is not conserved। क्या मतलब है इस चीज का? क्या मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहना और ना रहने का क्या मतलब? सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, ठीक है? बहुत ही बढ़िया चीज यहां पे हम बात करने जा रहे हैं। अभी हमने कोलिजन के बारे में बात की, अभी आपने देखा कि दो वस्तु एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाला, कब? बिफोर कोलिजन। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला बिफोर कोलिजन और आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाला आफ्टर कोलिजन, अगर ये दोनों चीजें बराबर आईं, तो आप कहेंगे कि आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी सेम है, और ऐसे कोलिजन को आप इलास्टिक कोलिजन के नाम से जाना जाएंगे। पर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आने का मतलब क्या है? बराबर नहीं आने का मतलब है कि हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यानी कि क्या हुआ, टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी,
टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी घट गई, इसका मतलब आपको एनर्जी का लॉस हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी और टकराने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि इस वाले केस में आपको एनर्जी का गेन हुआ। यहां पे आपको क्या हुआ, यहां पे आपको एनर्जी का गेन हुआ। देख के रखिए, पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कम थी, फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन बढ़ गई, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या टकराने के पहले और टकराने के बाद सेम है? नहीं है। ऐसे कोलिजन को आप बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ये दो प्रकार के कोलिजन्स आपके साथ में होते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेट में आप इस चीज को कैसे लिखेंगे? इक्वेशन फॉर्मेट में पहले खुद को कंफर्टेबल करके लेते हैं। सपोज कीजिए अगर आप इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले आप सिस्टम की कैसे लिखेंगे? हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए हाफ एम वन किसके बराबर, वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर। जरा आंखें खोलें, दिमाग को खोलें और जरा मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये बात जानते थे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है? बराबर। क्या मैंने आपसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम? बराबर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आप बोलेंगे कि जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक कोलिजन है। पर सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो ना वो सब चीज दिमाग में बैठ रही है, ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सर एक एग्जांपल हो जाए तो सर थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा हम उसको इमेजिन करेंगे तो शायद बेटर हमें समझ। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एग्जांपल विल मेक इट मोर क्लियर। द एग्जांपल इज अ पिंग पोंग बॉल। पता नहीं कितने लोग ने पिंग पोंग बॉल के साथ खेला है। एक रबर की बॉल होती है, खेला है, जिसको बाउंसिंग बॉल भी बोलते हैं, याद है किसी को? एनीबडी नोस? ऐसा फेंक के मारो तो रिटर्न आती है, छोटी सी होती है, कलरफुल कलर की होती है, देखा है कभी जिंदगी में, है ना? अब मेरी बात को अच्छी तरह से सुनना। सपोज करो यहां पे एक दीवार है, क्या है भाई, दीवार है, मास ऑफ दीवार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दीवार फाइनल वेलोसिटी ऑफ दीवार, ये है आपकी पिंग पोंग बॉल जिसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तो ये है आपकी बॉल, ये बॉल जाके दीवार से टकराई और टकराने के बाद ये बॉल वापस आई, ठीक है, और जब ये बॉल वापस आई तो इसकी वेलोसिटी हो गई vb, ठीक है। किसी ने बीच में चैट सेक्शन में एक सवाल पूछा था, एक आधा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? दीवार रेस्ट पे है, पता है ना तुम लोग को कि दीवार मूव नहीं कर सकती। अगर दीवार रेस्ट पे है तो दीवार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है,
दीवार की फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, पॉसिबल है। इस पिंग पोंग बॉल की खासियत यह होती है कि ये एक ऐसे रबर से बनी होती है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पिंग पोंग बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे उसे फेंक के मारा, वो लगभग इक्वल होती है उसके फाइनल वेलोसिटी से। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलास्टिक कोलिजन रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। अभी धीरे धीरे आपको समझेगा, बस फिलहाल मेरी बातें सुनते रहो। क्या बोला मैंने? आपने जितनी इनिशियल वेलोसिटी से इस बॉल को फेंक के मारा दीवार पे, वो उतनी ही वेलोसिटी से टकराने के बाद वापस आ गया। अब हम हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है कि इस कहानी में जो दो पात्र हैं वो है एक बॉल और एक दीवार, तो हम लिखेंगे हाफ मास ऑफ बॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ दीवार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दीवार का स्क्वायर। ये हो गया टकराने के पहले। ये बराबर होना चाहिए हाफ मास ऑफ बॉल फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मास ऑफ दीवार फाइनल वेलोसिटी ऑफ दीवार का स्क्वायर। सो आई होप यू आर गेटिंग। LHS में जो चीज लिखी हुई है ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है किसका? सिस्टम का। RHS में जो चीज लिखी है वो है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसका? सिस्टम का। ठीक है, पर क्योंकि आपको पता है कि दीवार पहले भी रेस्ट पे था, दीवार बाद में भी रेस्ट पे है, इसका मतलब ये टर्म पूरा बाय बाय बोलना चाहिए, ये टर्म पूरा बाय बाय बोलना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? क्योंकि UD तो जीरो है, VD भी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हाफ MB UB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ MB VB का स्क्वायर। और तुमको पहले से ही पता है कि UB और VB एक है, क्योंकि जितनी उसकी वेलोसिटी जाने की थी उतनी ही उसकी वेलोसिटी आने की है। इसका मतलब ये बात सत्य है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि हाफ इधर भी है हाफ इधर भी है, MB इधर भी है MB इधर भी है, और UB VB दोनों एक दूसरे को बराबर है, यानी कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर हुई कि नहीं हुई? हुई। तो इस कोलिजन को तुम बोलोगे इलास्टिक कोलिजन। मिला? आया कुछ दिमाग? खुला कि नहीं खुला? कुछ दिमाग खुला कि नहीं खुला? एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज लगभग इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ। लगभग नाम का वर्ड आपने क्यों यूज किया? क्या ऐसा नहीं होता कि मैं जितनी वेलोसिटी से इसको फेंक के मारूंगा उतनी वेलोसिटी से बॉल वापस आएगी? ऐसा नहीं होगा। बात को समझो, बॉल दीवार से आके टकरा रही है। टकराना यानी कि किसी से टकराना। जब कोई चीज किसी से टकराती है तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। टकराने के बाद वेलोसिटी में थोड़ा कमतीपना आना मांगता, क्योंकि वेलोसिटी कमतीपना इसलिए आएगा क्योंकि भाई एक एनर्जी लॉस करेंगे। पर पिंग पोंग बॉल का जो रबर होता है वो इस तरह का बनाया जाता है कि जब भी वो किसी चीज से टकराता है तो एनर्जी लॉस इतना मिनिमम होता है कि जितनी वेलोसिटी से वो जाता है उतनी ही वेलोसिटी से आता है, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि चाइना और जापान में, शायद मुझे पता नहीं हो चाइना है कि जापान, एक फीमेल ने एक ऐसा बॉल बनाया है जो इलास्टिक कोलिजन करता है। तुम जानते हो क्या इलास्टिक कोलिजन अगर कोई चीज करने लग जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हें अगर इसकी असलियत जाननी है तो ये देखो, एक वीडियो है, मैं तुमको दिखाता हूं। यहां पे वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा फिलहाल। द लेडी इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप। दिस इज अ बस स्टॉप, ठीक है?
उस बस स्टॉप पे वो लेडी खड़ी है, वो वीडियो क्या दिखाता है मैं आपको बताता हूं। वो लेडी क्या करती है, वो लेडी एक बॉल लेती है, उस बॉल को यहां पे ऐसे फेंकती है जमीन पे, वो बॉल टकरा के यहां जाता है, फिर टकरा के यहां जाता है, फिर टकरा के यहां आता है, टकरा के यहां आता है, वापस टकरा के यहां जाता है, और वो लेडी यहां से चल के चली जाती है, और ये बॉल जिंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा। जिंदगी भर मोशन में रहेगा। गेस करो मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बॉल जिंदगी भर मोशन में रहेगा, गेस करो। तुम क्या समझे, तुम इलास्टिक कोलिजन को क्या समझे, तुम इलास्टिक कोलिजन को अभी तक से समझे ही नहीं। अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आए, इलास्टिक कोलिजन अगर ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर सेम है, तो इसका मतलब वो तुम्हें ये बोलना चाहता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सोच के देखो, टकराने के पहले जितनी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जितनी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, अगर वो दोनों सेम है तो क्या एनर्जी में लॉस हुआ? बोलो, तुम लोग बताओ, क्या एनर्जी का लॉस हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ एनर्जी का लॉस। और अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो जब ये बॉल पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू पे टकराएगा, तो क्या पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू में उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आएगा? क्या उसकी एनर्जी में कोई फर्क आएगा? विल देयर बी एनी चेंज इन वेलोसिटी? विल देयर एनी बी चेंज इन एनर्जी? ना तो एनर्जी में कोई लॉस आएगा, ना तो वेलोसिटी में कोई लॉस आएगा। अगर ना एनर्जी में कोई लॉस आ रहा है, ना वेलोसिटी में कोई लॉस आ रहा है, तो ये बॉल अपने आप नहीं रुक सकता, क्योंकि कोई चीज तभी रुकेगी जब उसकी एनर्जी में लॉस आएगा, यानी कि ये चलता रहेगा। अब वो 2 से 3 टकराया, नो एनर्जी लॉस, 2 से 3 से 4 टकराया, नो एनर्जी लॉस, 4 से 5 पे टकराया, नो एनर्जी लॉस, 5 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2। पर मुझे पता नहीं है कि वो वीडियो सच में था, मैंने पढ़ा था इस बारे में, बट तुम इलास्टिक कोलिजन को हल्के में ले रहे थे, तुम लोग इलास्टिक कोलिजन को हल्के में ले रहे थे। सूरज, ग्रेविटेशन का असर होगा, तो मैंने कहा कि मुझे वो चीज पे यकीन नहीं है, क्योंकि एट सम टाइम द बॉल इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो ग्रेविटेशन की वजह से थोड़ा एनर्जी लॉस आप यहाँ पे ले सकते हो, बट वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से शायद ये एंडलेस हो सकता है। पर फिलहाल मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग इलास्टिक कोलिजन को हल्के में ले रहे थे? क्या तुम ऐसा सोच रहे, आइला क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है, क्या क्या बकवास चालू है? अरे भाई, बकवास नहीं है, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग है, बट आई एम वेरी वेरी सैड टू टेल यू, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में। अगर वो चाइना और जापान का मैं वीडियो छोड़ दूं, तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन होगा। क्या तुम इस बात पे यकीन रखते हो कि तुम किसी चीज से टकराते हो और टकराने के पहले और टकराने के बाद तुम्हारी एनर्जी में लॉस नहीं आएगा? आएगा, टकराने के बाद फ्रिक्शन होगा, कोलिजन में फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे के साथ घर्षण होगा, उस घर्षण में हीट के फॉर्म में तुम्हारी एनर्जी का लॉस होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि टकराने के बाद तुम्हारी एनर्जी में गेन भी आ सकता है, इट इज पॉसिबल कि टकराने के बाद तुम्हारी एनर्जी में गेन भी आ सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि एक ट्रक है, आगे कार है। अब ट्रक ने कार को जब टक्कर मारी, तो ये जो सरफेस था इस पे पूरा पानी गिरा हुआ था या ऑयल गिरा हुआ था, मतलब यहां पे फ्रिक्शन जीरो है। तो जब ट्रक ने इस कार को टक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद दोनों के दोनों फिसलते हुए आगे की तरफ गए, मतलब दोनों की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ गया, हालांकि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आना चाहिए, पर दोनों की वेलोसिटी सडनली इसलिए बढ़ गई क्योंकि हो सकता है यहां पर पूरा ऑयल गिरा था, और जब ये ट्रक इससे टकराया तो फिसलने की वजह से फ्रिक्शन यहां पर जीरो है, तो फिसलने की वजह से दोनों के एनर्जी में बदलाव आ गया, बढ़ गई एनर्जी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि टकराने के बाद सिर्फ एनर्जी का लॉस ही होता है, वो लोग गलत सोच रहे हैं, टकराने के बाद एनर्जी गेन भी हो सकती है।
और तुम्हें एनर्जी के गेन का एहसास तब होगा जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा अगला एनर्जी तो बढ़ गया। और तुम्हें एनर्जी लॉस का एहसास तब होगा जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आएगा। हालांकि फिलहाल सिर्फ आप ये समझिए कि इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है टकराने के बाद, घट भी सकती है। बढ़ गई तो एनर्जी गेन बोल दीजिए, घट गई तो एनर्जी लॉस बोल दीजिए। क्या आपके दिमाग में बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही? अबे हाँ ना तो बोल दो, बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है? पक्का समझ रहा है सबको? यस सौरभ, सौरभ सौरभ का डाउट पहले सुन लीजिए। सौरभ का डाउट है कि अगर मैं अपना मोबाइल हाथ में लूँ और मैं मेरा मोबाइल छोड़ दूँ, मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया और मैंने अपना मोबाइल छोड़ दिया, तो क्या मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ? ठीक है, उसका ये सवाल है। सबसे पहली बात तो मैंने ये साफ साफ क्लियर चीज कर दी है कि कोई भी एक्शन के बाद आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, कोई भी एक्शन के बाद। ठीक है, अब इसमें इतना सिर्फ देखना है कि आपको दोनों की वेलोसिटीज पहले पता है कि नहीं पता। दैट्स इट। इन योर केस मोबाइल कहीं पे रखा हुआ होगा, तो मोबाइल इनिशियली रेस्ट पे है, आपका हाथ इनिशियली मूव कर रहा है, फिर आपका हाथ और मोबाइल एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है क्योंकि आपने मोबाइल को पकड़ा, मतलब वो कोलिजन के केस में आ गया, और फिर आपने मोबाइल को छोड़ दिया, मतलब टकराने के बाद एक वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो आप देख सकते हैं इनिशियली आपके मोबाइल की वेलोसिटी जीरो है पर आपके हाथ की वेलोसिटी है, और फाइनली आपका मोबाइल नीचे की तरफ गिरेगा तो आपकी फाइनली आपके मोबाइल के पास वेलोसिटी होगी, और हाथ अगर आपने मूव किया तो हाथ के पास भी वेलोसिटी होगी, या मोबाइल गिराने के बाद अगर आपने हाथ एक जगह पे रखा तो आपके हाथ की वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी। I hope that answers the question, Saurav. Mass of mobile, velocity of mobile, mass of hand, velocity of hand, mass of mobile, final velocity of mobile, mass of hand, final velocity of hand. Done, done, done. क्या कंसीडर करना है इसमें सौरभ, क्या कंसीडर करना है? ऑब्वियस ही बात है, टच करना इज कोलिजन एंड दूर जाना इज आफ्टर कोलिजन का इफेक्ट, इट्स लाइक ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, और क्या। पायल 6992, बेटा लेक्चर 9 बजे तक चलेगा, प्लीज बार बार लेक्चर ओवर करके मत चैट सेक्शन में डालिए, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं बेटा, प्लीज जब भी मेरे लेक्चर के लिए आइए तो टाइम निकाल के आइए। आप बीच में ही आप शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे सौरभ जी कुछ अलग ही माहौल में जा रहे हैं पर आपका बीच में चालू है कि लेक्चर ओवर, 9 बजे तक लेक्चर चलने वाला बेटा, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। सौरभ, डू यू अंडरस्टैंड दैट मोबाइल पकड़ना इज लाइक कोलिजन एंड मोबाइल को ड्रॉप करना इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोलिजन? बस काम खत्म। कोलिजन में आप दो व्यक्ति पास में आते, कोलिजन के बाद दोनों व्यक्ति दूर दूर चले जाते, इट माइट बी पॉसिबल। अभी हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में तो वही किया था, बराबर है सौरभ?
बढ़िया, ठीक है। सूरज का सवाल है कि जो चाइना ने में एक्सपेरिमेंट किया है वो स्पेस में हो सकता है क्या? सूरज, स्पेस में आप क्या जानते हैं स्पेस के बारे में? आर यू लाइक प्लानिंग टू अप्लाई फोर्स इन स्पेस? आप जानते हैं कि स्पेस में पहुंचने के बाद आप फ्लोट होंगे? तो फिर फ्लोटिंग फ्लोटिंग में कोलिजन किस तरह से होगा, मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? फ्लोटिंग में कोलिजन होना, राइट? क्यों सौरभ, मास दोनों का आएगा, पर आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोबाइल इज जीरो, तो ये टर्म वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है। दोनों लोग का पार्टिसिपेंट है ना, आपके मोबाइल और हाथ दोनों का पार्टिसिपेंट है ना उसके अंदर, तो आप मोबाइल का मास क्यों नहीं कंसीडर करोगे? लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। आई होप कोलिजन के बारे में आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल जाए। अगली बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उस बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मैं आपके दिमाग से निकालने जा रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो चीज आपने अभी सुनी, आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों जगहों पे अप्लाई किया जा सकता है। कृपया इस बात को ध्यान से समझें। इट डजंट मैटर कि कोलिजन कैसा हो रहा है, इट डजंट मैटर, ठीक है? इस बात से आपको कोई परवाह नहीं है कि आपका कोलिजन कैसा हो रहा है। इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है। इन बोथ द केसेस आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बस किसी ने क्वेश्चन में बोल दिया कि एक बुलेट को यहां से फायर किया गया या बुलेट किसी से टकरा रही है, दो लोग एक से टकरा रहे हैं, ट्रक कार से टकरा रही है, कार ट्रक से टकरा रही है, तुम दीवार से टकरा रहे हो, दीवार तुमसे टकरा रही है, एनी चीज कुछ भी हो, भले ही क्वेश्चन में इस बात का जिक्र किया हो या ना किया हो कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, भले इसका बात तुम्हें पता भी ना हो, तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर इन योर ब्रेन्स? इज दैट क्लियर इन योर ब्रेन्स ऑल ऑफ यू? पक्का? अब एक अगली चीज तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूं। एक ऐसी चीज होती है जिसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मस्त चीज है, क्या लगाया? इन इलास्टिक कोलिजन के पहले क्या लगाया? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली, इस वर्ड को जरा भाव दो। कैसे पहचानोगे कि कोई चीज एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? अगर कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स जॉइन टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। स्पेशल केस है, ऐसे केस के बारे में मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपके सामने जिक्र किया था। क्या मैंने आपको बोला था दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ चिपक के आगे की तरफ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो आप ऐसे कोलिजन को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने।
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जॉइन हो जाएंगे देन फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी सेम. दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम होगी. क्या आप एग्जांपल्स के लिए तैयार हैं? क्या आप परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स के एग्जांपल के लिए तैयार हैं? सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, फिजिक्स एग्जांपल्स का खेल है. फिजिक्स एग्जांपल्स का खेल है. जितनी बेहतरीन तरीके से आप अपने दिमाग में एग्जांपल्स को रखेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आएंगे. एग्जांपल नंबर वन, मड एंड वॉल. दीवार है, ये मड का एक स्टिकी वाला मड होता है, क्ले वाला, वैसा एक चीज है. बॉल बना लिया समझो आपने, आपने इसको फेंक के मारा. ऑब्वियस बात है, आपको जानते हो कि फेंक के मारने के बाद ये दीवार के ऊपर इस तरह से चिपक जाएगा. कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. जॉइन हो गए ना, ये मड का बॉल है, ये दीवार है, दोनों टकराने के बाद एक हो गए ना, बस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. दूसरी जानकारी मैंने क्या दी थी? दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी. तुम जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ दीवार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल, दैट इज जीरो. दोनों लोग रेस्ट पे आ गए. अगला एग्जाम्पल, टेंशन मत लो. ट्रक आगे जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. पीछे से आती है एक स्पोर्ट्स कार. स्पोर्ट्स कार, वैसे स्पोर्ट्स कार बहुत, मतलब थोड़ी ऐसी लो वाली होती है ना स्पोर्ट्स कार, ऐसे उसका बेस बहुत लो होता है स्पोर्ट्स कार का, राइट? स्पोर्ट्स कार वाला चला रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. अपने आप को हीरो समझता है वो. ये रोड है, स्पोर्ट्स कार वाला आता है सीधा ट्रक के नीचे, सीधा ट्रक के नीचे. आईसी गाड़ी है स्पोर्ट्स कार, डायरेक्ट ट्रक के नीचे अटक गई, अटक गई. ट्रक के नीचे स्पोर्ट्स कार अटक गई. अब टकराने के बाद ये जो मैंने वेलोसिटीज लिखी है, ये ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है, ये स्पोर्ट्स कार की इनिशियल वेलोसिटी है. हो सकता है टकराने के बाद इस ट्रक की वेलोसिटी में थोड़ा एक्स्ट्रा बदलाव आए, मतलब हो सकता है ट्रक की फाइनल वेलोसिटी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए, क्योंकि कार ने आके उसको टक्कर मारी है ना, तो ट्रक वाला थोड़ा तो आगे जाएगा, थोड़ा तो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा. पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्पोर्ट्स कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? गेस करके बताओ जरा मुझे. कर लिया गेस? ये गेस तुम किस कैसे कर पाए? अनुराग सिंह बोलता है जीरो. अबे अनुराग किधर है रे, दिमाग इधर ही रखते हो कि कहीं और रख के आते हो? स्पोर्ट्स कार अगर ट्रक के नीचे है और स्पोर्ट्स कार और ट्रक एक हो चुके हैं, दोनों ने शादी कर ली है, तो बेटा जो ट्रक की स्पीड होगी वही तो कार की स्पीड होगी ना. अभी भी नहीं समझ में आ रहा किसी को? ए, तुमको जॉइन टूगेदर समझता है क्या? डू यू अंडरस्टैंड जॉइन टूगेदर? Yes, because sports car ट्रक के साथ साथ आगे जा रही है. बताओ ये कोलिजन कैसा कोलिजन है? ये कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है. परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट? एग्जाम्पल नंबर थ्री के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. ये एक बुलेट है जिसको गन से फायर किया गया, ये एक दीवार है. बुलेट आती है और दीवार में समा जाती है, बताओ कैसा कोलिजन?
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि टकराने के बाद दीवार और बुलेट दोनों एक हो चुके हैं। मैं और एग्जांपल दूं कि तुमको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एक्सपीरियंस आ गया है। तुम जानते हो ना कि बुलेट की फाइनल वेलोसिटी और दीवार की फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, वो कि जीरो है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। बच्चा सोचता है सर अभी आपने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया, अभी अगला टॉपिक रहेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देयर इज ओनली परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी कि इलास्टिक कोलिजन यानी कि टकराने के बाद और टकराने के पहले आपकी जो वेलोसिटी एनर्जी है वो सेम होगी, बस। इलास्टिक कोलिजन में कोई बता, अभी तक से तुमने कितने तरह के कोलिजन पढ़े? तुमने अभी तक से सिर्फ तीन तरह के कोलिजन पढ़े हैं। पहला कोलिजन क्या है? पहला कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। दूसरा कोलिजन क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा कोलिजन क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बस यही तीन तरह के कोलिजन तुम पढ़ते हो। इलास्टिक कोलिजन में तुम क्या कर सकते हो? इलास्टिक कोलिजन में तुम मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल कर सकते हो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का। किसका मोमेंटम रे बाबा? सिस्टम का, ये मत भूलना। और क्या कर सकते हो तुम? और क्या कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन में? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, किसका भाई? किसका? सिस्टम का। इक्वल कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सिस्टम का। इन इलास्टिक कोलिजन में तुम क्या कर सकते हो? इन इलास्टिक कोलिजन में तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। कांट कांट। ये था अभी तक से का नाटक। बस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भूलना मत, दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जॉइन टुगेदर, एक हो जाते हैं दोनों। अच्छी तरह से बात समझना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के जो क्वेश्चन है आते हैं एग्जाम्स में आते हैं। सर वो गाड़ी और ट्रक का ईएक्स है, एग्जाम्पल है, उसमें गाड़ी का एनर्जी बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा ना, मैंने आपको बोला ना, टकराने के बाद इट माइट बी पॉसिबल दैट द ट्रक हैज इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो ट्रक का एनर्जी बढ़ेगा, बट सिस्टम का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिस्टम का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार का, अबे सौरभ थोड़ा दिमाग लगाना, कार पहले कितने पे चल रही थी? 150 पे। उसके बाद कार कितने पे चल रही है? 120 पे। तो कार की एनर्जी बढ़ी कि घटी? फिर ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ट्रक की वेलोसिटी बड़ी। अब आपको ये बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा और आंसर तभी आएगा जब आपको कार का मास पता है और आपको ट्रक का मास पता है। तो फिर आप एनर्जी के इक्वेशंस बनाओगे, इक्वेट करके चेक करोगे कि ये यहां पे इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मतलब इलास्टिक कोलिजन ही हुआ होगा, बिकॉज इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ही हुआ होगा। ठीक है, अमन पठान का सवाल है सर, दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक। किसने बोला आपको अमन ऐसा? किधर लिखा है यहां पे? आप अपना डेफिनेशन क्यों बनाते हो? हाँ अमन, किधर लिखा है यहां पे कि टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक? ऐसा किधर लिखा है बताओ? ये लो, ऊपर से नीचे तक लेके आता हूं, बताओ। यहां लिखा है मैंने ऐसा? सिर्फ मड के एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है। आप अपना डेफिनेशन क्यों बनाते हो अमन? मुझे इसी बात से तब से प्रॉब्लम है, आप अपना ही कुछ डेफिनेशन बना के दिमाग में रख लेते हो। कहां लिखा है ऐसा?
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को पहचानने का तरीका है, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से चिपक जाने चाहिए, उनकी शादी हो जानी चाहिए, दे शुड बी जॉइंड टुगेदर. दैट इज द ओनली टेक्निक टू पहचान अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. बस उसके बाद अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक गए हैं तो ये कॉमन सेंस है कि दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक हो जाएगी. जीरो हो जाएगी ऐसा कब कहा मैंने? डिड आई से जीरो हो जाएगी? यहां जीरो लिखा है क्या? द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी जीरो. कि मैंने ये लिखा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट विल बी सेम. अब आपके दिमाग में ऐसा एक्स्ट्रा डाउट कहां से आता है? फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा हो गया कि फाइनल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, तो क्या हर बार दोनों की फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी? कार और ट्रक के एग्जाम्पल में ऐसा हुआ क्या क्लास? क्या कार और ट्रक के एग्जाम्पल में ऐसा हुआ? नहीं हुआ. प्लीज प्लीज कीप इन माइंड, पहले तो चेक करो कि क्या दोनों एक दूसरे चिपक गए हैं, बस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन खत्म. उसके बाद सोचते रहो कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है. अगर एक बुलेट दीवार से टकरा रही है, कॉमन सेंस है दोनों की फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी, कॉमन सेंस है. पर ट्रक और कार के केस में ऐसा नहीं होगा. हे बाबा, मैं और बड़बड़ करूं कि किसी को समझ में आ रहा है. ये एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन. एक दो तीन, आंखें फाड़ के देख लो. एक दो तीन, एक दो तीन. इलास्टिक इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक. डन डना डन. यस सौरभ, इट डिपेंड्स सौरभ, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप बुलेट और दीवार का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या विचार है आपके फाइनल एनर्जी के बारे में? बढ़ी क्या? फिर मैं बोला ना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता. सो क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है ई. क्या बोला जाता है क्लास? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है ई. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद से, ई की वैल्यू की मदद से, ई की वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कोलिजन हुआ है. क्या बोला मैंने वापस एक बार, सबका ध्यान और समझ वापस यहां पे होनी चाहिए कि ई का वैल्यू देख के आप ये बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा कोलिजन हुआ है. मतलब क्वेश्चन में वो साफ साफ बोलेगा, क्वेश्चन में वो साफ साफ बोलेगा कि E बराबर 1 है, या क्वेश्चन में वो साफ साफ बोलेगा E बराबर 0 है, या क्वेश्चन में वो साफ साफ बोलेगा E बराबर 0.8 है. ऐसा कुछ तो बोलेगा. E की वैल्यू 1 हो सकती है, E की वैल्यू 0 हो सकती है, या E की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में हो सकती है. इन्हीं तीन जगहों पे E की वैल्यू हो सकती है, या तो 1, या तो 0, या तो 0 और 1 के बीच में. तो हमें यह पता लगाना है कि अगर E की वैल्यू 1 हुई तो यह कौन सा कोलिजन है,
और E की वैल्यू जीरो हुई तो ये कौन सा कोलिजन है? अगर E की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हुई तो ये कौन सा कोलिजन है? ये है हमारा टास्क। क्वेश्चन में वो डायरेक्टली आपको E की वैल्यू देगा, वो बोलेगा फॉर अ कोलिजन E इज दिस मच, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा E ऐसा है, इसका मतलब ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला कोलिजन हो रहा है। कैसे पता लगाएंगे कि वन है तो कौन सा कोलिजन, जीरो है तो कौन सा कोलिजन, जीरो और वन के बीच में है तो कौन सा कोलिजन? ये आप अगले लेक्चर में सीखेंगे। अगले लेक्चर में आप एक और चीज सीखेंगे, अगले लेक्चर में आप सीखेंगे फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला, यानी कि टकराने के बाद जो वस्तुओं की फाइनल वेलोसिटी होती है, इन फाइनल वेलोसिटीज का एक फिक्स फॉर्मूला होता है जो आप अगले लेक्चर में सीखेंगे। और आप क्या सीखेंगे अगले लेक्चर में सीखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑन लाइन ऑफ एक्शन, अगर ऑब्जेक्ट्स लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं हुए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको हिंट दिया था कि ऑब्जेक्ट्स लाइन ऑफ एक्शन पे अगर नहीं होंगे तो क्या करोगे, ये तीन चीजें आपकी कोलिजन के अंदर बाकी है। सो कृपया करके अगले लेक्चर में अपनी प्रस्तुति दीजिए। डन डना डन, ठीक है। मैं अपडेट करता हूं कल सुबह का टाइम, अगर हुआ लेक्चर तो कितने बजे होगा, क्या होगा। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।